अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो शुमार एहसान और करम है, उस परवरदिगार आलम ने हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान महीने के जो रोजे हैं, जो मुसलमानों पर फर्ज है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी हम सबको कि रमज़ान महीने के पूरे रोजे हम लोगों ने रखा। और रोजे के अलावा उसके जो हकूक और थे, जैसे नमाज तरावी, कुरान की तिलावत, तकबीर और तहलील, हाँ, समय कदर की इबादत वगैरह, इन सब को भी हम लोगों ने अल्लाह की रहमत से बाखूबी अंजाम दिया, कि अल्लाह का लाजवाब एहसान और शुक्र है। बाद हो सदा सा दुरूद सलाम हो सरवर कायनात ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्त बुजुर्गो, ईद, जैसे कि मैंने कुछ पहले कहा था कि ईद इस्लामी ईद है, ईद के माने खुशी है, खुशी का दिन है, खुशी का वक्त है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको ये दिया है। लेकिन ईद और खुशी, जैसे कि फरमाया बताया कि ईद इस्लामी त्यौहार के मुताबिक, इस्लामी क्या कहते हैं ढंग के मुताबिक हम सबों को इस ईद को मनाने होगा। ऐसे एक शेर है आदमी ने, जैसे कहा जाता है, लय सर ईद उलेमन, लय सर ईद उलेमन लब सर जदीद, लय सर ईद उलेमन लब सर जदीद इन नमल ईदो मन खाफा बिल वईद। ईद वो नहीं है, ईद वो नहीं है जिसने नए नए लिबास जरूर कर लिया, पहन लिया, उसके लिए ये खुशी नहीं है, ईद नहीं है, बल्कि खुशी उसके लिए है, वही खुशी मनाने के हकदार है जो वईद से घबराया, जो अल्लाह के वईद से, अल्लाह के जहन्नम और कब्र की अजाब वगैरह के बयान के बयान से जिसने डरा और खौफ खाया, और खौफ खा करके रमजान मुबारक के महीने में बेहिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन वईदों को सामने रखते हुए, इन अजाबों को ख्याल कर करके जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब माफ़ी मांगा, खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है दरख्वास्त किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, हाँ तू माफ़ कर दे। इस तरह के खौफ और डर के साथ जिसने रमजान मुबारक के रोजों को क्या कहते हैं रखा, तो उसके लिए ये खुशी है, उसके लिए ये ईद है ना, उसी को कहा गया है। और ये भी फरमाया गया कि उस शख्स के लिए ईद नहीं है जो अपने मकान को सजाया, बल्कि ईद उसके लिए है जो अपने बॉडी को, अपनी बॉडी को सजाया, अपने बॉडी को पाक किया, अपने बॉडी को गुनाहों से जो लतपथ था, डूबा हुआ था, उसको जो है इस बॉडी को साफ सुथरा किया। जैसे कुरान में है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, कद अफलहा मन ज़क्काहा, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स, तहकीक के नजात पा लेगा वो शख्स जिसने इसको पाक कर लिया। बॉडी के अंदर जो एक नियत है, दिल है, उसको जिसने गुनाहों से पाक और साफ कर लिया, वमन पवन खावा मन दस्साहा, और नाकाम हुआ वो शख्स, बदनसीब के लाइन में वो लिखा गया वो शख्स, जहन्नमी के लाइन में लिखा गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक साफ नहीं कर सका। जिस तरह रमजान मुबारक के पहले वो गुनहगार में क्या कहते हैं मशगूल था, गुनाह के कामों में वो लतपथ था, रमजान महीना में भी उसी तरह रहा, रमजान के बाद भी उसी तरह रहा, किस तरह की तब्दीली नहीं आई, किसी तरह का चेंजिंग नहीं आया, तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह कहता है कि वो नाकाम हुआ। इसलिए दोस्त बुजुर्गों, खुश नसीब हैं हम लोग जो रमजान मुबारक के रोजे रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की वईदों और उसके जो है अजाब वगैरह के खबरों से हमने डर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से बे इंतहा जो है रोया चिल्लाया और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, ये लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की आदत, जिस तरह रमजान मुबारक के अंदर हमारी रही, किसी से झगड़ा नहीं करता था, गाली गलौज भी बहुत होशियार से करता था कि नहीं भाई मेरे रोजे से हूँ, तो ये सब टेर नहीं कहा करता। उम्मीद होनी चाहिए, इस तरह ख्याल होना चाहिए, इस तरह बाकी कारा महीने में भी मुसलमानों को इस तरह रहना ही चाहिए। करने का महीना ताकि इंसान भूल ना जाए, इसलिए एक महीना दिया ताकि इस तरह हमेशा मरते दम तक इसी तरह की आदत बनाए रहे, ना किसी की गाली दे, ना किसी की चुगली करे, ना वो
किसी के माल को हड़प कर ले, समझ नहीं, ना कि अल्लाह की बंदगी से दूर रहे, इस तरह जैसे ना रहे, बल्कि हमेशा दुनिया भी काम के साथ साथ उपरवी काम के लिए भी वो आगे बढ़े, हैं इस तरह का ख्याल हम सबको आगे होना, क्या कहते हैं, हाँ जिंदगी भर यानी जब तक हयात है तब तक हम लोग को इस तरह की आदत होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों बुजुर्गों, ये मैं क्या कहते हैं, रमजान में रोजे में जिस तरह इबादत के अंदर जो नमाज थी, नमाज के अंदर जिस तरह आप लोग आगे क्या मस्जिद को भर देते थे, तो मस्जिद को भरना नहीं कहता हूँ, आपको जहाँ फुर्सत मिले जहाँ वक्त हो नमाज की पाबंदी करें, नमाज ही असल है, ये नमाज अगर नहीं है तो ये सब ईद बकरीद और ये सब कुर्बानी या सब दान खैरात ये सब कुछ नहीं बेकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों हम सबको चाहिए कि आइंदा भी कि आइंदा तक इसी आइंदा रमजान तक इसी तरह के रहें और नमाज ही बन सकते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बना, सच्चा मोमिन बना, और जो नमाजों से अभी भी दूर हैं उनसे उन पर ला दू इस तरह का जज्बा, इस तरह का शौक, इस तरह का डर खौफ पैदा कर दे, ताकि वो समझ ले कि नहीं हम जिस तरह दुनिया में चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, जिस तरह ये काम है, इस तरीके से नमाज एक नहायत जरूरी है, इस तरह का ख्याल जैसे हर एक के दिल के अंदर रहे तब जाकर तो जरूर नमाज के तरफ बढ़ेगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला, और हमारे जो गुज़श्ता रोजा रखे हैं इन सबको अल्लाह जिसे आसान तरीके से कबूल करे, हमने जो इबादत की है अल्लाह तो तमाम मुसलमानों की इबादतों को कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन।